नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग की तरफ से सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है। यहाँ पर ना तो कोई आपका एग्ज़ाम होना है, ना ही आपकी कोई एग्ज़ाम फीस लगने वाली है। सैलरी भी बहुत ही बढ़िया है और आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। आप प्रीमियम टाइप्स जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर रह सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। यानी ये कंपनी पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत आती है। आप जैसे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पर वैकेंसीज का एक कॉलम दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके पास ऐसा पेज ओपन होगा, लिस्ट ऑफ ओपन वैकेंसीज। यहाँ पर ये रहा आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, रिक्रूटमेंट फॉर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सेकंड और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड। यहाँ पर आपको जो है एडवर्टाइजमेंट की डिटेल जो है वो देखनी है। ये नोटिफिकेशन हमारा डाउनलोड हो चुका है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, नोएडा, उत्तर प्रदेश। ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है और इसका टाइम पीरियड 2026 तक है। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट हो रही है, यहाँ पर दो प्रोजेक्ट के लिए हो रही है, NMWC और BCWC के लिए। पहली पोस्ट आपकी रहने वाली है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 की। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 12 है। आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है NMWC। आपसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है आपका BBTech होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस में। आपके BBTech में एटलीस्ट 60% मार्क होने चाहिए और फिजिक्स या मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। आपसे यहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एटमोस्फेरिक साइंस, मीटरोलॉजी, ओसिनोग्राफी या रिमोट सेंसिंग में। अगर बात करें हम आपकी सैलरी की, तो सैलरी रहने वाली है 78,000 रुपये प्रति मंथ, प्लस आपको HRA मिलेगा और हर 2 साल पे आपका 5% इंक्रीमेंट होना है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 45 साल रखी गई है। दूसरी पोस्ट है आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी रहने वाली है 26। प्रोजेक्ट आपका NMWC। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा गया है आपका BBTech होना चाहिए सिविल, मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस से, एटलीस्ट 60% मार्क होने चाहिए, फिजिक्स या मैथ आपका बैचलर डिग्री में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें हम आपकी सैलरी की, तो सैलरी आपकी रहने वाली है 67,000, प्लस आपको HRA मिलेगा और आपका हर 2 साल पर 5% इंक्रीमेंट होगा आपकी परफॉर्मेंस का रिव्यू करके। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी 40 साल रखी गई है। अगली वैकेंसी भी आपकी रहने वाली है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी सेम मांगी गई है, आपका BBTech सिविल, मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। बाकी सब कुछ आपका सेम रहने वाला है। फिर आपकी वैकेंसी है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 6 रहने वाली हैं। यहाँ पर सेम रहने वाला है पोस्ट कोड जो आपकी 2 थी, सेम आपका BBTech होना चाहिए सिविल, मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस में। अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको जो है स्क्रीनिंग प्रोसेस भी हो सकता है। भारत सरकार के नियमानुसार आप लोगों को यहाँ छूट भी मिलने वाली है SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की और OBC EWS के लिए 3 साल की। अगर कोई कर्मचारी किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या PSU में काम करता है तो उसे इंटरव्यू के टाइम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। आपके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 30 जुलाई रखी गई है।
जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जो है नोटिस आपको मिल जाएगा। आपको इंटरव्यू के टाइम आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके प्रमाण पत्र, आपके एक्सपीरियंस, वो सारे आपको लेकर जाने होंगे। आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BBTech कर रखा है दी गई ब्रांचों से और आपके पास 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। आई होप ये पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।